हेलो एंड वेलकम इस वीडियो लेक्चर में हम टेंथ क्लास का सैम्पल पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम का पार्ट बनकर आया फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी थ्योरम फाइव मार्क्स की अकेले नहीं हो सकती तो उसके साथ एक एग्जांपल भी आएगा आप बीपीटी थेरम का प्रूफ पार्ट वन से देख सकते हैं प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायनल एंड पैरल टू द बेस ऑफ द ट्रिपेजियम डिवाइड द नॉन पैरल साइड इन द सेम रेशियो तो हमें दिया गया है एक ट्रिपेजियम एबीसीडी जिसमें एबी पैरल टू डी सी आएगा जब भी हम गिव के अंदर कहते हैं कि ए बी सी डी ट्रपेजियम है तो हमें हमेशा मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है यह जरूरी हो जाता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इसके डायग्नल हैं ए सी एंड बी डी लेट अस सपोज दैट डायगनल इंटरसेट ओ और ई एफ इज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द डायग्नल ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया गया है पर आप शायद इसे पहचान नहीं पा रहे ये एग्जाम्पल टू है एनसीआर का जिसके अंदर हम एक डायगनल को ज्वाइन करते हैं तो हमें दिया गया ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है और ई एफ इज लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रूव दैट ए डी की रेशियो बी एफ टू एफ सी के इक्वल है इस ट्रपेजियम के अंदर ए बी साइड डी सी के पैरल है नॉन पैरल साइड कौन सी हैं डी एंड बी सी और ई एफ लाइन को हम बेस डीसी के पैरेलल मान लेते हैं क्योंकि इसमें दिया गया है कि लाइन इज पैरेलल टू द बेस सो हम डीसी के पैरेलल ले लेते हैं लेकिन डीसी ए बी के भी पैरेलल है इसलिए ई एफ ए बी के भी पैरेलल हो जाएगी ये बात हमें मेंशन करनी पड़ेगी अगर हम चाहें तो इसका वन डाइगनल यूज करके इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं अब जैसा कि हमें ए ई टू ईडी की रेशियो बी एफ टू एफ सी के इक्वल प्रूव करनी है तो हम सिर्फ एक ही डायगनल यूज करेंगे पहले तो हम ये बताएंगे कि ई एफ डी सी के पैरल है इसलिए ई एफ ए बी के भी पैरल है उसके बाद हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC और क्योंकि ओ ई डी सी के पैरल है तो BPT लग जाएगी और ए ED की रेशियो एओ टू ओ सी के इक्वल आ जाएगी लेट्स डू दिस सबसे पहले हमें गिवन लिखना है गिवन में हमें बताना पड़ेगा कि ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में कौन सी साइड पैरेलल है ये बताना जरूरी है क्योंकि यही चीज तय करती है कि नॉन पैरल साइड कौन सी है साथ में हमें दिया गया है कि ई एफ इज पैरल टू डी सी हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ए सी बी डी आर डाइगनल इंटरसेक्टिंग एट ओ और अब हम लिखेंगे टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए टू डी ई रेशो बी एफ टू एफ सी के इक्वल है प्रूफ इन ट्राइंगल अब सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे एडीसी हमने ट्राइंगल लिया एडीसी इसमें इज़ पैरल टू डी सी क्योंकि ओ ई एफ का ही पार्ट है एफ लाइन अगर पैरल है सी डी के तो ओई भी पैरल ही होगा सी डी के इसे डायरेक्टली गिवन में ले सकते हैं इससे क्या होगा ए टूडी की रेशियो एओ टू ओ सी के इक्वल आ जाएगी बाय बी पी टी ज वन बिकॉज सी डी और ए बी पैरल है देव फोर ई एफ इज ऑल्सो पैरल टू ए बी बिकॉज लाइन पैरल टू सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर एबी सी डी के पैरल है ई एफ भी सी डी के पैरल है तो ई एफ और ए बी आपस में पैरल हो गई और इस तरह से अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी बी ए सी बी ट्राइंगल के अंदर ओ एफ लाइन इज पैरल टू ए बी लाइन और इससे होगा क्या एओ टू ओ सी की रेशियो बी एफ टू एफ सी की रेशियो के इक्वल हो जाएगी अगेन बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्योंकि ए ओ टू ओसी की रेशियो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है